ओके रेडर्स डेट है आज का सेवनटीन ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ लोगों का पूछना है कि मैं ये कौन सा स्क्रीन यूज कर रहा हूँ तो दिस इज माय आई पैड प्रो न्यू वाला जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था तो उसके अंदर ही आई कैन मैनेज दिस लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ देखिए इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ इसके अंदर ही ड्यूबल स्क्रीन के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं तो एक छोटा सा फीचर है इसके अंदर तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओके अब मैंने यहाँ पर इतना अच्छा खासा मार्केट गिर रहा है तो मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर अ ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर तो आपको पता है कि अब जो है हमारा ब्रह्मास्त्र वाला जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पर तो उसको भी मैंने एजम कंसीडर करते हुए ट्रेड लिया हुआ है साथ में अगर हम इसको नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो कही कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक वन साइड ये एक दो तीन चार पाँच छठवा सिक्स कैंडल है यहाँ पर हमको दिख रहा है वन साइड फॉल कर रहा है ये तो थोड़ा सा क्या होता है बेटा तो जब सपोर्ट लेवल्स के आसपास ऐसा आता है ड्रास्टिकली तो एक रिट्रेसमेंट का हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके? Okay, तो उस हिसाब से मैंने पर क्या किया जस्ट वन फिफ्टी क्वान्टिटी यहाँ पर मैंने प्लान किया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको मेरा कैपिटल भी दिखा देता हूं देखिए वन लाख सेवेंटी वन वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड के आसपास कैपिटल है अपना उसका मैंने सिर्फ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड मैंने यहाँ पर यूज किया मतलब ऑलमोस्ट 35 के आसपास मैंने पर यूज किया हुआ है वो क्यों क्योंकि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा से और नीचे आए तो मुझे पर एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अच्छे भाव पे कॉल को बाय करने के लिए तो इसलिए मैंने सिंपली क्या किया हुआ है एक तो ये स्ट्रेटेजी भी अप्लाई हो चुकी है साथ में एक अच्छा कंटिन्यूस बैक टू बैक फॉल है ये है हमारा सपोर्ट लेवल तो यहाँ पर मैंने प्लान किया है एक छोटा सा ट्रेड लेने के लिए अब देखो मैंने मॉर्निंग में एक छोटा ट्रेड लिया था यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्विकली इसको एग्जिट कर दिया तीन पॉइंट का मारते हुए थोड़ा सा मैंने वेट किया इस लेवल्स के इसके मार्केट आया और अब देखो कितनी देर में लगभग पर मुझे एक डेढ़ मिनट के अंदर ही जो मेरा मॉर्निंग का प्रॉफिट था उससे ज्यादा प्रॉफिट तो वो अभी मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे आइडियली अगर ब्रह्मास्त्र के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिल सकता है बट अनफॉर्चुनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और मैं परसों ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं शायद कल ज़्यादा देख भी नहीं पाऊँ मार्केट तो उस हिसाब से मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और कल सेशन भी है तो वो ये जो छोटा सा मेरा फंड है ये मैं वहाँ यूज़ करने वाला हूँ तो इसको हम लोग अच्छा प्रॉफिट निकालते हुए इसको एग्जिट करेंगे करंटली फ़ोर थाउजेंड के आसपास प्रॉफिट चल रहा है चलने देंगे चलने देंगे कोई इशू की बात नहीं इतना जल्दी एग्जिट नहीं करना है हमको यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर प्लान करेंगे इस वाले पोजीशन पे सिक्स थाउजेंड के आसपास तो बन जाए एटलीस्ट फाइव टू सिक्स थाउजेंड के आसपास मिनिमम इतना तो चाहिए वन फिफ्टी क्वान्टिटी के पीछे इतनी मेहनत से हमने ट्रेड लिया इतना वेट किया इतना इंतजार कराया मार्केट ने तो इतना तो हमको मार्केट से चाहिए ही चाहिए ओके जी इसको हम लोग फिर भी एक थोड़ा स्मार्टली हम क्या करेंगे इसको ये हटा देते हैं और चलते हैं हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम पे वन मिनट वाले चार्ट पे और हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस

कल की वीडियो पे आप लोगों ने लाइक्स तो किए बट इतने नहीं किए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लाइव ट्रेडिंग के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता तो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए आपको क्यों नहीं दिखाते वो एक्साइटमेंट तो लाइक करना मत देखिए करंटली ऑलमोस्ट सिक्स के आसपास अपने यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है ये ही होता है ट्रेडर्स देखो जोन के लिए वेट करना कितना मजेदार चीज है साढ़े छह हजार का प्रॉफिट चल रहा है फंड्स कितना यूज किया हमने सिर्फ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड लगभग हो गया टेन थाउजेंड टेन परसेंट के आसपास अपना रिटर्न यहाँ पर देखो समाउंड वो आया भी है ओके परफेक्ट है ये लेवल्स के आसपास आई थिंक वो यहीं से ही एग्जिट करेगा तो इसको हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे नहीं तो फिर मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा एवरेज करना पड़ेगा मैंने कैपिटल यूज़ किया है यहाँ पर सिर्फ देखो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड के आसपास ये कुछ बोल कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई क्यों आपका ये ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा वो ओके okay? अब यहाँ पर देखिए एट थाउजेंड के आसपास मतलब इस ट्रेड के अंदर हम लोगों ने ट्रेड कितने पे लिया ट्रेड लिया समे अराउंड यहाँ पर देखिएगा देखिए दिखे, ट्रेड लिया हमने थ्री सेवेंटी सिक्स के आसपास फोर वन फाइव के आसपास क्विकली इसको हम लोगों ने स्कैल्प करते हुए एग्जिट कर दिया आई थिंक अभी और ऊपर भी आया है हमारा एग्जिट हुआ फोर फिफ्टीन पे ओ बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जो जिन्होंने जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी पे काम किया हुआ उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा और अगर इसका टारगेट भी मैं आपको बता दूं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र क्या है कहाँ मैंने बताया हुआ है तो मैंने ट्रेडर्स कम्युनिटी के अंदर बताया हुआ है ट्रेडर्स कम्युनिटी क्या है फ्लैश हो रहा होगा है यहाँ पर नंबर आप वो देख सकते हो आपको ज्वाइन करना तो यू कैन ज्वाइन इट्स एप्सिलुटली फ्री कैपिटल है मेरे पास वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड के आसपास जो कल का प्रॉफिट है वो ऐड हो चुका है और अब हम लोगों ने मार्जिन यूज़ किया हुआ है इसमें नाइनटी फोर थाउजेंड अब हमारे पास सेवेंटी एट थाउजेंड के आसपास पेंडिंग है और हमारा अब ये चल रहा है थ्री थाउजेंड के आसपास पास फोर थाउजेंड के आसपास लॉस सो लेट्स सी वेट करते हैं कैसा मूव करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ कहाँ एग्जिट करूंगा कहाँ स्टॉप लॉस है कहाँ टारगेट है वो तो मैं आपको सब बताऊँगा वेट कीजिए थोड़ा सा मुझे अगर और मिल जाता सस्ते में पुट तो मैं ले लेता बट मार्केट ने मुझे वो मौका दिया नहीं ऑलरेडी इस लेवल्स के आसपास आया और रोजेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मैं इस लेवल्स के आसपास का मेरा प्लान है कि मैं टारगेट रखूँ समवेयर अराउंड लेट्स सी वेट करते हैं ऑलमोस्ट ये फ्लैट के आसपास तो आ आन सौ आठ ओके रेडर्स ये एक अच्छा लेवल है एग्जिट करने के लिए ओहो देखो रिवर्स कर दिया उसने सेवन थाउजेंड के आसपास प्रॉफिट चल रहा था अपना फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास क्विकली कैंडल एक्चुअली क्या गैप अप खुल गई यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा मैं दूसरी स्क्रीन पर देखा देखो यहाँ एग्जिट हुआ था अपना होना चाहिए था बट तो गैप अप खुल गया ठीक है कोई इशू की बात नहीं है अब आपका प्लान आपका ये सोचना होगा कि सर इसमें आर आर है रेशो कैसे बिठाया वगैरह वगैरह देखो मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया हुआ था ना मुझे एक्चुअली प्लान करना था इस लेवल्स के आसपास समय थर्ट एट पॉइंट टू परसेंट का रिजेक्ट जैसे कर रहा था इस लेवल्स पर बट मैंने क्या किया गलती से मैंने थोड़ा सा वेट किया इस लेवल्स पर बट मैंने कहीं ना कहीं इस लेवल्स पर एंट्री की देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये दिख रहा है आपको टू हंड्रेड क्वान्टिटी फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं अगर एंट्री करता हूँ तो थोड़ा सा और ऊपर जाने तो फिर थोड़ी क्वान्टिटी मैं यहाँ ऐड करूँगा अल्टीमेटली स्टॉप लॉस क्या था स्टॉप लॉस था मेरा ये फिफ्टी परसेंट के ऊपर और ये जो लाइक एक रिजेक्शन लेवल है इस लेवल्स के आसपास मैंने प्लान किया था अगर एंट्री यहाँ हुई है ये एंट्री हुई है तो मेरा लाइक ये एंट्री हुई ये एंट्री हुई तो फाइनली जो मेरा एवरेज था समवेराउंड इस लेवल्स के आसपास बैठा हुआ था तो अगर मैं आपको यहाँ पर रफली कैलकुलेट करके दिखा दूँ ये अपना कैलकुलेशन ये शॉर्ट पोजिशन हमने एंट्री की समय ऑन यहां स्टॉप लॉस रखा था हमने यहाँ और हमने एग्जिट किया समय ऑन यहाँ इस लेवल्स के आसपास नहीं कहाँ एग्जिट किया ये एग्जिट किया हमने कहाँ एग्जिट किया थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब लगभग वन ने शो वन के आसपास हमने यहाँ पर कैप्चर किया एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि थोड़ा सा मुझे और ऊपर चाहिए था बट मैंने इस लेवल्स के आसपास एंट्री ले ली देखो यहाँ पर मैंने गलती भी की उसके बावजूद भी एडवांटेज क्या था मेरा इस के अंदर कि मैंने कैपिटल जो है कम यूज किया सिर्फ दो सौ क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड किया ठीक है छोटी क्वांटिटी में ये ऑर्डर बुक फिर से देख लो आप ये दिख रहा है आपको मॉर्निंग में मैंने कितनी क्वांटिटी में काम किया हुआ यहाँ पर थाउजेंड थाउजेंड क्वांटिटी ठीक है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ पॉइंट्स बहुत कम कैप्चर किए सिर्फ तीन हज़ार के आसपास अब यहां पर देखो वन फिफ्टी क्वान्टिटी मैंने एक बाई किया थ्री सेवेंटी सिक्स पे एग्जिट किया फोर वन फाइव पर तो इस पर कैपिटल छोटा लगता है आपको यहाँ पर लाखों रुपये नहीं चाहिए ये जो मैं इतना कैपिटल भी रख के बैठा हूँ वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड के आसपास इतना भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास फिफ्टी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड के आसपास है तो आप ऑप्शन बाइंग में काम कर सकते हो बट बट ध्यान से सुनना बट इसमें एक बट है आपके पास स्किल्स होना चाहिए ठीक है एक मैं आपको छोटी सी चीज और समझा देता हूं अगर आप ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर हो तो बस आपने यहां पर ट्रेड लिया होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर अपना स्किल्प वाला सेटअप बैठता है वाला जो ट्रेड लिया है ये किस हिसाब से रेट लिया मैंने आपको पहले बताया उसके साथ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी भी अप्लाई होती है अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर ही है मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया एक चीज यहाँ पर ये प्लान की कि मार्केट फॉल हुआ है यहाँ पर आएगा रिजेक्शन देगा थोड़ा एडजस्टमेंट आएगा क्योंकि इतना अच्छा खासा फॉल हुआ है तो मार्केट वन वे में ऊपर नहीं जाएगा कभी भी मार्केट का क्या प्लान रहेगा फॉल करेगा इस लेवल्स पे लोगों को ट्रैप करेगा फटाक से एक मोमेंटम दिखाते हुए मोमेंटम थोड़ा इंपल्सिव रहेगा ऐसा यहाँ पर अटैक करेगा लोगों को फ्रेश बायर्स को उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर मार्केट अगेन अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है तो मैंने क्या किया यहाँ पर बाय भी किया उससे भी मैंने पैसा कमाया कितना कमाया समवे अराउंड फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास कमाया और साथ में यहाँ पर फिर सेल भी करते हुए मैंने यहाँ पर फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास कमाया कैपिटल कितना यूज किया मैंने एक लाख भी कैपिटल मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है आपको मैंने दो तीन बार ये चीज़ दिखाया हुआ है मोटिवेशन फील हो रहा है चीज़ें समझ में आ रही है मज़ा आ रहा है सीखने में तो फाइव के लाइक्स अगर इस वीडियो पे आएंगे तो मैं ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कल तो मैं लाइव सेशन के अंदर बिजी रहूँगा ट्रेडर्स कम्युनिटी के साथ कल मेरा सेशन है थर्सडे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मंडे आई थिंक हाँ मंडे के दिन मैं रिटर्न आ जाऊँगा तो मंडे को फिर मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा छोटे अकाउंट में ताकि आप रिलेट कर पाओ अगर मैं आपके सामने 50 लाख का कैपिटल रखूंगा तो आपको प्रॉफिट मुझे यूट्यूब से ज्यादा व्यूज तो मिलेंगे मिलेंगे बट आप पैसा नहीं कमा पाओगे पैसा कमाना है सीखना है तो मैं छोटी कैपिटल से करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर सको आपके बहुत उतना कैपिटल होगा पॉसिबली तो आप वैसा काम कर सकते हो फाइव के लाइक्स का टारगेट रखते हैं सी आप पूरा करते हो तो मंडे को तो ऐसा वीडियो फिर से आ जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो